नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TRP क्या होता है। दोस्तों अगर आप TV देखते हैं तो आपने कई बार TRP के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस समय सलमान खान हॉस्टेड TV शो बिग बॉस काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। अगर आप भी बिग बॉस देखते हैं तो आपने सलमान खान से भी सुना होगा कि बिग बॉस को काफ़ी अच्छी TRP मिल रही है। सलमान खान बिग बॉस के वीकेंड्स पर नज़र आते हैं, जहां वो शो के प्रदर्शन और बिग बॉस के फैमिली वालों से बात करते हैं। वैसे बहुत कम लोग TRP के बारे में जानते होंगे। अगर आपको भी नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाले हैं कि आखिर TRP होता क्या है। दोस्तों TRP मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होती है, जिससे यह पता चलता है कि किस शो को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। लगभग सभी चैनल की रेटिंग जानने के लिए बड़े शहरों में एक खास तरह का डिवाइस कुछ चुनिंदा जगहों पर लगा दिया जाता है। इस डिवाइस को प्यूपल मीटर कहते हैं। ये मीटर हर किसी के घर में नहीं लगता है, इसके लिए कोई विशेष जगह ही सिलेक्ट की जाती है और ये डिवाइस खासकर शहरों में ही लगाया जाता है। TRP क्या है तो आपको ये पता चल गया होगा। इसके साथ आप ये भी जानना चाहते होंगे कि TRP का पता कैसे लगाया जाता है। तो जब किसी विशेष जगह पर पीपल मीटर लगा दिया जाता है तो यह डिवाइस उसके एरिया में सभी सेटअप बॉक्स से कनेक्ट हो जाती है। आपको बता दें कि यह सही TRP जानने के लिए केवल TV की जगह सेटअप बॉक्स लगाने पर जोर दिया जाता है। इससे TRP का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी विशेष जगह पर लगाए गए पीपल मीटर अपने आसपास के सेटअप बॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर मॉनिटर कर रही है, मॉनिटर टीम तक भेजती है। इस इन्फॉर्मेशन में यह होता है कि कौन से चैनल को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और चैनल में कौन से शो को ज़्यादा देखा जा रहा है। ये सब रेटिंग के हिसाब से पता लगाया जाता है कि इसे टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहते हैं। पीपल मीटर द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करने के बाद मॉनिटरिंग टीम तय करती है कि कौन से चैनल को और कौन से शो को कितनी ज़्यादा TRP मिली है। TRP से TV चैनल की इनकम कैसे होती है? दोस्तों आपको बता दें किसी भी चैनल की 80% इनकम विज्ञापन से होती है और ये विज्ञापन हर शो के 1-2 मिनट के ब्रेक में आते हैं। ये विज्ञापन वाले किसी चैनल पर अपना विज्ञापन दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रुपये चैनल वालों को देते हैं। इस तरह इस चैनल की ज़्यादातर इनकम आपको दिखाई जा रही है ऐड से ही चलती है। अब आप जानना चाहते होंगे कि TRP से ऐड का क्या संबंध होता है, तो आपको बता दें कि जिस चैनल की TRP जितनी ज़्यादा होती है वह चैनल अपने शो के बीच में यानी ब्रेक में ऐड दिखाने के लिए विज्ञापन वालों से उतने ही ज़्यादा रुपए लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस समय बिग बॉस की TRP काफ़ी ज़्यादा है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपको पता चलेगा जब भी बिग बॉस शो में ब्रेक आता है तो उसमें दिखाए जाने वाले विज्ञापन काफ़ी बड़ी कंपनी के होते हैं। ये बड़ी कंपनियां खुद बिग बॉस में अपने विज्ञापन दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रुपए चैनल वालों को देती है। इन कंपनियों की कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके विज्ञापन को देखें और ज़्यादा TRP वाले शो में विज्ञापन दिखाए, ये उनका काम पूरा हो जाता है। इस तरह TV चैनल की भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। दोस्तों TRP का TV चैनल से काफ़ी डीप रिलेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान गए होंगे कि TRP क्या है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के लिए आपसे सेटअप बॉक्स लगाने के लिए क्यों कहा जाता है, जिससे TRP को एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। हालांकि जब अब ज़्यादातर घरों में सेटअप बॉक्स लग चुके हैं और अब चैनल की TRP भी इंफॉर्मेशन में सटीक मिलती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।